अगर आप IBPS AFO 2021 की तैयारी कर रहे हैं तो आज का सेशन आप लोगों के लिए बेहद खास होने वाला है। खास होने के पीछे वजह क्या है, क्योंकि हम आज चर्चा करने वाले हैं आपके प्रिलिमिनरी एग्जाम में पूछे जाने वाले एक पर्टिकुलर सेक्शन क्वांट की। इस क्वांट सेक्शन के अंदर 15 दिन के अंदर हम किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं, कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर इस सेक्शन से कर सकते हैं, तो आज के सेशन का ये हमारा मुख्य एजेंडा रहने वाला है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता देता हूं, आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्री कंटेंट और इस लेक्चर की PDF के लिए भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलने वाला है। तो सबसे पहले इस पर्टिकुलर सेक्शन के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि इससे कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने मार्क्स के ये क्वेश्चन होते हैं, कितना सेक्शनल टाइमिंग आपको मिलता है, क्या सेक्शनल कट ऑफ रहती है और क्या टारगेट आपको इसके अंदर रखना चाहिए। बट मैं थोड़ा सा आपको ये भी बता देता हूँ आगे बढ़ने से पहले कि इस पूरे प्रिलिमिनरी एग्जाम के अंदर आपसे 3 सेक्शंस पूछे जाते हैं, जिसमें पहला सेक्शन क्वांट, फिर रीजनिंग और इंग्लिश रहता है। तीनों सेक्शन से आपके 50-50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो कि आपके इंग्लिश के क्वेश्चन 50 जो है वो 25 मार्क्स के होते हैं और बाकी आपके 50-50 मार्क्स के होते हैं, तो टोटल 125 मार्क्स का ही आपका पेपर होता है। ठीक है भाई, चलिए अब चर्चा कर लेते हैं इस पर्टिकुलर सेक्शन की कि इस सेक्शन से आपसे टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये 50 क्वेश्चन आपके टोटल 50 मार्क्स के ही होते हैं, और इसके लिए आपको जो टाइमिंग मिलती है वो 40 मिनट मिलेंगे, यानी कि देयर इज सेक्शनल टाइमिंग। ठीक है, और इसके लिए आपको जो टारगेट रखना चाहिए, जो अचीवेबल टारगेट है, बड़े आराम से 30 प्लस स्कोर किया जा सकता है। कितने मिनट के अंदर? 40 मिनट के अंदर 50 क्वेश्चंस में से। ठीक है, अब ये कैसे किया जा सकता है या किस बेसिस पे मैं आपको बोल रहा हूं कि ये टारगेट आसान है, और अगले 15 से 17-18 दिन, क्योंकि 26 दिसंबर को आपका एग्जाम है, तो इतने कम दिन में हम कैसे स्कोर कर सकते हैं, ये हमारा चर्चा का मुख्य विषय रहेगा। ठीक है, इसके अलावा आपकी सेक्शनल टाइमिंग, सेक्शनल कट ऑफ भी रहती है यहां पे। ठीक है, सेक्शनल कट ऑफ भी आपको देखने को मिलेगी, जो अराउंड 10 रहती है। इतना मिनिमम स्कोर इस सेक्शन से होना आपके लिए बेहद जरूरी है। अब एग्जाम का पैटर्न क्या है, अगर हमें यही नहीं पता होगा कि किस किस जगह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हम तैयारी करना तो बहुत दूर की बात है, तैयारी करने की सोच भी नहीं सकते, क्योंकि क्वांट का जो सिलेबस है वो बहुत विशाल है, बहुत सारी चीजें हैं, तो आप देखते ही आपका मन भर जाएगा कि मैं कहां से शुरू करूं, यही समझ में नहीं आने वाला। बट मैं आपको बता देता हूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करने के बाद जो एक ट्रेंड है कि आपसे डाटा इंटरप्रिटेशन से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टेबल पे हो सकते हैं, पाई चार्ट पे हो सकते हैं, लाइन ग्राफ पे हो सकते हैं, कैसलेट DI हो सकता है, अर्थमेटिक पे बेस हो सकता है। मैं आगे बताऊंगा प्रिपेयर कैसे करना है, किस सीक्वेंस में करना है। इसके अलावा नंबर सीरीज के 5 क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 5 क्वेश्चन, सिंपलीफिकेशन के 5 क्वेश्चन और क्वांटिटी कंपैरिजन के 5 क्वेश्चन। आमतौर पर आपके एग्जाम में इन 4 में से 3 चीजें देखने को मिलेंगी, या तो नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक, सिंपलीफिकेशन, किन्हीं 4 में से कोई भी 3 चीजें वो पूछ लेगा। इसके अलावा जो 20 क्वेश्चन होते हैं ये वर्ड प्रॉब्लम यानी मिसलेनियस होते हैं सारे चैप्टर से, परसेंटेज, रेशियो, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रोबेबिलिटी, एवरेज, मेंसुरेशन, मिक्सचर, एजीज, पार्टनरशिप, इन सब से ये 20 क्वेश्चन रहते हैं। तो ये पूरा पैटर्न है आपका कि किस हिसाब से पेपर को सेट किया जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि इस सिलेबस के अंदर क्या क्या चीजें रहती हैं। तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस है इस क्वांट सेक्शन का, जिसमें सिंपलीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो, इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, मिक्सचर, एवरेज, एजीज, पार्टनरशिप, एरिया वॉल्यूम और DI, यानी कि इससे बाहर आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। बट इन सब चीजों को अगले 15-20 दिन के अंदर तैयार करना हमारे लिए इम्पॉसिबल सा है, तो कैसे कम समय में इनको तैयार करना है, कौन से रेलिवेंट टॉपिक है, ये सब चर्चाएं हम करेंगे। तो बेसिकली जो मैंने स्ट्रेटेजी आप लोगों के लिए बनाई है वो 2 टाइप के स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई है। ठीक है, एक तो वो टाइप के स्टूडेंट होंगे जो पहले से अपनी तैयारी कर रहे हैं बट चाहते हैं कि मेरा जो टारगेट है वो 30-35 प्लस है, मैं अगले 15 से 17 दिन में रिवीजन कैसे करूं कि मेरा जो टारगेट है वो मुझे अचीव हो जाए। दूसरा टारगेट ये है कि अभी तक कुछ बच्चों ने पढ़ाई नहीं, कुछ भी सोचा ही नहीं है, तो वो चाहते हैं कि अगर 20 या 25 नंबर भी आ जाएं तो मेरे लिए वो नंबर बहुत मायने रखेंगे, मैं आराम से इस प्रीलिम्स की दौड़ को क्लियर कर जाऊंगा, क्योंकि मेरे
दूसरे सब्जेक्ट भी अच्छे हैं, ठीक है भाई। तो दोनों के लिए अलग अलग स्ट्रेटेजी मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले जो टारगेट है हमारा, जो प्लान मैं बता रहा हूं रिवीजन पर्पज से, जिन बच्चों को स्कोर करना है 35+, तो उनके लिए ये पूरा प्लान रहने वाला है, ठीक है। उनको इस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। कैसे, ये आपके पास टोटल 18 डेज अभी आपके एग्जाम में बाकी है, ठीक है, और ज्यादा टाइम नहीं आपको देना। मैंने आपको बताया कि फिक्स टाइमिंग आपको पर डे कितनी देनी है इस सब्जेक्ट को, क्योंकि प्रिलिमिनरी में तीन ही सब्जेक्ट है, तो 6-7-8 घंटे तो अभी आप दे सकते हैं अगले 15 से 18 दिन तक, ताकि आप इस जो प्रिलिमिनरी की जो दौड़ है इसको आराम से क्लियर कर पाओ। तो स्टार्ट करिए सबसे पहले इसी ऑर्डर में, अगर आप पढ़ेंगे तो तैयारी रिविजन करना भी आसान होगा और चीजें रिवाइज भी बहुत अच्छे तरीके से होंगी, ठीक है। तो सबसे पहले डे वन में आपको सिंप्लीफिकेशन से स्टार्ट करना है। मैं बताता चलूंगा कि पढ़ना क्या क्या है किस डे पे, क्लियर है भाई। तो सिंप्लीफिकेशन में आपको अप्रोक्सीमेशन और नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन सोल्व करने हैं, बट उससे पहले आपका कैलकुलेशन वाला पार्ट अच्छा होगा ये मैं मान करके चल रहा हूं, क्योंकि अगर आपको 35+ स्कोर करना है तो फिर ये चीजें आपको पहले से ऑलरेडी पढ़ी हुई होनी चाहिए, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन में अप्रोक्सीमेशन नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन के 30-40 क्वेश्चन आपको डेढ़ घंटे के अंदर प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। डे टू में आपको नंबर सीरीज में दोनों टाइप की सीरीज होंगी आपकी, मिसिंग भी नंबर होंगे और आपकी रॉन्ग सीरीज जो है वो भी पूछी जाती है। तो दोनों के कम से कम 25-30 क्वेश्चन सॉल्व करिए और कोशिश करिए कि जब भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो आपको लॉजिक पता हो, ठीक है, कि लॉजिक पता हो। ऐसे नहीं कि सिर्फ आप क्या करते हो ऐसे इस तरीके से, अगर देखा आपने 7-9 और ये क्या आएगा तो ऐसे डिफरेंस लेना शुरू कर देते हो। जरूरी नहीं है कि डिफरेंस पे बेस्ड क्वेश्चन ही आपसे आएंगे, आपको लॉजिक पता होना चाहिए। आपको पता हो कि स्क्वायर पे बेस्ड लॉजिक है, क्यूब पे बेस लॉजिक है, प्लस माइनस पे है, मल्टीप्लिकेशन प्लस माइनस पे है, सीरीज अगर डिक्रीज हो रही है तो डिवाइड वाला केस लगेगा, डबल सीरीज तो नहीं है, इलॉजिकल पैटर्न तो नहीं है, ठीक है। तो अच्छे से प्रैक्टिस आपको करना है। उसके बाद नंबर थर्ड पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जो आजकल देखो एक नए ट्रेंड से भी जुड़िए, जो इस बार IBPS PO के क्वेश्चन पूछे गए वो रूट वाली इक्वेशन से भी थे। जैसे इस तरीके से दे दिया x²-√5x+3=0, तो मतलब ये वाले क्वेश्चन भी आपको जरूर ध्यान रखने हैं। यहां पे सिर्फ नॉर्मल क्वेश्चन नहीं पढ़ने, ठीक है, जहां से जो आसान आसान चीजें होती हैं कि x²-7x=12=0, तो दो रूट निकाल के कंपैरिजन, रूट वाले पे भी जाइए। हो सके तो थोड़ा आपको ये भी पता हो कि दो रूट का सम क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होती है, अगर एक सिंगल इक्वेशन देकर के बहुत बार कंपैरिजन देके पूछ लेता है, ठीक है। तो ये भी अच्छे से करना है आपको, ये फर्स्ट थ्री डे। और फोर्थ डे पे आपको रिवीजन करना है इन तीनों का 2 घंटे, कम से कम 20-20 क्वेश्चन हर एक से उठाइए, अच्छे लेवल के उठाइए और यहां पे प्रैक्टिस करिए, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ डे पे आपको परसेंटेज और रेशियो, मैंने बोला यहां पे बेसिक पढ़ना है। बेसिक क्यों पढ़ना है, देखो अगर आप नंबर ऑफ टाइप्स पे जाओगे तो आप कोई भी बुक खोल लो उसमें 25 टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे। आप किसी कहीं पे वीडियो देख लो, किसी कोर्स में जाके देख लो, 25 टाइप की चीजें आपको मिल जाएंगी। बट एक्चुअल में क्या ये टाइप होती हैं? एक भी सवाल आपको डिफरेंट मिला? वोटर में ये इनवैलिड वोट वाला कंसेप्ट है, ये वोटर में डज नॉट पोल वाला कंसेप्ट है। अरे भाई, एक सिंपल थ्योरेटिकल तरीके से अगर आपने ये समझ लिया कि इतने लोग वोट डालने नहीं आए, ये इनवैलिड वोट हो गए, और हार और जीत का अंतर हमेशा वैलिड वोट तय करते हैं, और ये इसमें से माइनस करना है, ये इसमें प्लस करना है, अगर एक ही कंसेप्ट से समझ लिया तो आपको नंबर ऑफ टाइप्स पे जाने की जरूरत नहीं है कभी भी, तो ये ध्यान रखिए। तो बेसिक से पढ़िए हमेशा थ्योरेटिकल पूरा, ठीक है। अगर आपको परसेंटेज और रेशियो अगर आपने बेसिक से पढ़ लिया 2 घंटे लगा के, तो ये सारी चीजें फिर आपकी यहां काम आने वाली है, ठीक है। अगर आपने परसेंटेज के अंदर कन्वर्जन पढ़ा है कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं, परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे इजीली चेंज करते हैं, किसी नंबर का 53% कैसे निकालेंगे आराम से, 48% कैसे निकालेंगे विदाउट मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय 100, यहां नहीं बताऊंगा कैसे, बट आपको ये चीजें पता हो। और उसके बाद फिर आपको 6th डे पे DI करना है, टेबल ग्राफ, लाइन ग्राफ और बार ग्राफ, तीनों के तीनों। और 7th डे पे आपको पाई चार्ट और मिक्स ये करना है, क्योंकि ये सारा
जो जितना आपने पढ़ा है पहले 5 दिन में, ये यहां भी रिवाइज हो जाएगा। डीआई कोई अलग चैप्टर होता ही नहीं है, डीआई वही है जो आपने दूसरे चैप्टर्स में पढ़ा है इंप्लीमेंट करना है। बट डीआई में आपसे आजकल अर्थमेटिक बेस भी पूछा जा रहा है, ठीक है, आपसे कैशलेट डीआई भी पूछा जा रहा है। उनको कैसे करेंगे, उनके लिए आगे वाली स्ट्रेटेजी रहेगी, ठीक है। उसके बाद जैसे 8 डे पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना है, साथ में सिंप्लीफिकेशन के 10 क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करिए। उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़िए। देखो पढ़ने में, अब आप सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में जब भी आप अर्थमेटिक का कोई भी टॉपिक पढ़ो, ये बात ध्यान रखना, अर्थमेटिक का कोई भी टॉपिक पढ़ो, 2 चीजें जरूर पढ़नी है, उस पे बेस्ड डीआई जरूर पढ़िए और उस पे बेस्ड क्वांटिटी कंपैरिजन के क्वेश्चन जरूर करिएगा। ये पूछे जा रहे हैं आपसे क्वांटिटी कंपैरिजन, जैसे होता ना कि क्वांटिटी 1 में कुछ डाटा दे दिया, क्वांटिटी 2 में दे दिया, दोनों को कंपेयर करना है। कोई भी अर्थमेटिक का टॉपिक पढ़ो, कम से कम 30-25-30 क्वेश्चन डीआई और क्वांटिटी कंपैरिजन पे उससे जरूर प्रैक्टिस करने ही करने आपको, ठीक है भाई, ठीक है। और बेसिक पढ़ो, जरूरी नहीं है कि इंस्टॉलमेंट। अब देखो अगर पेपर में एग्जाम में क्वेश्चन इंस्टॉलमेंट का आ भी गया, बट उस इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन पे आपने इतनी एनर्जी लगा दी और वहां से आप एक ही क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हो, बट उसके बजाय अगर आपने बेसिक बेसिक जो अप्रोच है उसको सही से सीखा है तो आप इस डीआई को भी सोल्व कर दोगे, क्योंकि डीआई कभी भी बहुत हार्ड नहीं होता, नॉर्मल अप्रोच पे ही होता है, और क्वांटिटी कंपैरिजन के क्वेश्चन भी सोल्व कर दोगे, तो ये बात हमेशा ध्यान रखो। उसके बाद नेक्स्ट डे पे आपको टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, सेम सेम कंसेप्ट है दोनों में। और हमेशा देखो टाइम एंड वर्क है, जैसे अब मैं नॉर्मली आपको एग्जांपल दूं, आप लोग क्या करते हो, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है, एक टाइप होगी। फिर ए 5 दिन काम करके छोड़ गया, बचा हुआ काम बी करता है, ये दूसरी टाइप होगी। अब ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी 15 दिन में, लेकिन बी ने काम खत्म होने से 2 दिन पहले छोड़ दिया, ये तीसरी टाइप होगी। ये टाइप्स नहीं है बच्चे, ये एक ही कंसेप्ट है कि जब भी आपको एक नॉर्मल चीज ध्यान रखो, वर्क इज इक्वल टू होता है टाइम इनटू एफिशिएंसी। तो जब भी आपको टाइमिंग गिवन हो कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी 15 दिन में करता है, तो इसके बाद कुछ भी कंडीशन दे रखी है, ये सिर्फ एक ही टाइप है। यानी आपको यहां से पहले तो वर्क अज्यूम करना है कि मान लीजिए 30 यूनिट वर्क है, ए की एफिशिएंसी आ गई, बी की एफिशिएंसी आ गई, आगे जो भी कंडीशन हो अप्लाई कर दो बस। लेकिन इसी को हमने 15 टाइप में तोड़ लिया, इतना बर्डन बढ़ा लिया दिमाग में कि ये बिल्कुल फितूर मचा देता है हमारे अंदर, और समझ ही नहीं आता कि कैसे कवर करेंगे इन सब चीजों को। अरे ये टाइप्स नहीं है, थोड़ा बेसिक से समझ के करो, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर सीरीज के 10-15-20 क्वेश्चन जरूर ट्राई करना साथ के साथ, 15-20 मिनट, 10 मिनट लगेंगे मुश्किल से, तो लेकिन वो पिछले वाली चीजें रिवाइज होती चलेंगी, ठीक है। नेक्स्ट 11 डे पे आपको टाइम एंड डिस्टेंस ट्रेन्स बोर्ड्स, ये पूरा दिन आपके लिए रहेगा, 2-3 घंटे जितना भी टाइम आपके पास है, मिनिमम 2 घंटे आपको जरूर लगाने हैं इस पे। और ध्यान रखो जब डिस्टेंस क्या होता है, टाइम इनटू स्पीड, जब ट्रेन्स दियो तो डिस्टेंस क्या होता है, रिलेटिव स्पीड क्या होती है, बोट्स दियो तो डाउनस्ट्रीम क्या होता है, अपस्ट्रीम क्या होता है, जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो टाइम और स्पीड एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, जब टाइम कांस्टेंट हो तो स्पीड और डिस्टेंस एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये सब आपको पता होना चाहिए, समझ रहे हो, यही सब चीज़ें सीखनी है। नेक्स्ट है फिर इसके बाद 12 डे पे आपको डीआई जो है वो रिवाइज करना है। डीआई कैसे रिवाइज करना है, या तो आप यहां वाला डीआई रिवाइज कर लीजिए, या जो टॉपिक पे बेस्ड आपने डीआई के क्वेश्चन किए होंगे वो वाला रिवाइज करिए, ठीक है। प्लस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 15-20 क्वेश्चन आपको जरूर ट्राई करने हैं, ठीक है। उसके बाद एक पूरा दिन मैंने आपको पार्टनरशिप बेसिस मिक्सचर के लिए दिया है, बहुत हार्ड पे नहीं जाना, प्रिलिमरी है। अगर मैं एग्जाम को देखूं पिछले साल का तो इतना ज्यादा मुश्किल नहीं था, तो नॉर्मल चीजें ही ट्राई करिए। उसके बाद एवरेज और प्लस डीआई आपको फिर से प्रैक्टिस करना है। फिर 16 डे पे मेंसुरेशन 2D, ऐसा नहीं है कि पूरी 2D पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, बेसिक फॉर्मूले। 2D के अंदर ट्रायंगल आती है, आपके क्वाड्रिलेटरल आते हैं और सर्कल आता है। आपको ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पता हो, बेसिक बेसिक एरिया कैसे निकालते हैं, पैरामीटर क्या है, समझ रहे हो। क्वाड्रिलेटरल में आपको पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रोम्बस, रेक्टेंगल, ट्रेपेजियम, इनका बेसिक पता हो सिर्फ, ठीक है। और सर्कल, सर्कल के सर्कमफ्रेंस, एरिया और थोड़ी बहुत चीजें, सेक्टर वेक्टर, ये सब मालूम हो बस। उसके बाद नंबर सीरीज और डीआई के भी कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। फिर मेंसुरेशन 3D में सिर्फ कोन कर लो, क्यूबॉइड कर लो, स्फेयर, हेमिस्फेयर, ठीक है, क्यूब कर लो, बेसिक। सिर्फ वॉल्यूम पता हो, लेटरल सरफेस एरिया पता हो, टोटल सरफेस एरिया पता हो, ठीक है। प्लस क्वाड्रेटिक और डीआई के क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं। उसके बाद आपके पास 2 दिन और बचेंगे, तो इस 2 दिन में आप या तो फुल लेंथ टेस्ट दे सकते हो, या आपको लगता है कि कोई चैप्टर कमजोर रह गया तो वहां से वो चैप्टर वाइज टेस्ट दे सकते हो आप, ठीक है। और ये दोनों दिन 1 या 2 टेस्ट आपको जरूर देने हैं, ठीक है भाई। तो ये आपका पूरा, लेकिन ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, जिनके कंसेप्ट क्लियर है, जिनका टारगेट है कि मुझे 50 में से 35 प्लस तो करना ही करना है, ठीक है। बट जो लोग
अभी जागे हैं, मतलब देर से जागे हैं, जिनको नोटिफिकेशन के बाद ही पता चला और इतना अभी तक प्रिपेयर भी नहीं किया है, बट वो चाहते हैं कि अगर, क्योंकि नॉर्मल तक कट ऑफ इतनी ज़्यादा भी नहीं जाती है, बट सेक्शनल कर जाऊं और 20-25 मार्क्स आ जाए, ठीक है, अगले 15-20 दिन में। तो ये प्लान उन लोगों के लिए जो सिर्फ 20+ टारगेट कर रहे हैं, यानी 20+25, यानी अगर बहुत अच्छा कर गए तो 30 भी ले सकते हैं, वो सिर्फ इन्हीं को प्रिपेयर करके, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन बहुत अच्छे से आपको देना पड़ेगा, 2-3 घंटे का टाइम मिनिमम सारे। पहले अगर आपने नहीं पढ़ा थोड़ी मल्टीपल, क्योंकि पेपर के अंदर 40 मिनट भी है ना आपके पास और 50 क्वेश्चन है, तो मतलब आपकी स्पीड भी अच्छी खासी होनी चाहिए, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में थोड़ा सा ध्यान लगा जाओ, पहले 1 घंटा सीखो, चीज़ों को देखो कि रूट कैसे निकलते हैं। ऐसा नहीं कि बेसिक फॉर्मूला जो होता है D=B±2a ये वाला लगा के आप रूट निकालोगे, ये तो फिर आपके 5 क्वेश्चन सोल्व करने में 15 मिनट खा जाएगा, 10 मिनट खा जाएगा, समझ रहे हो। नहीं, आपको पता हो, थोड़ी सी प्रैक्टिस, ढंग की जगह से पढ़ोगे तो कर पाओगे। फिर उसके बाद नंबर सीरीज, ठीक है, एक एक दिन लगा दो पूरा, ठीक है। फिर परसेंटेज, ठीक है भाई, और ये प्रॉफिट एंड लॉस हमने गलती से ले लिया यहां पे, ठीक है, ये जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है, फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन बेसिक, बिल्कुल। जब रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ोगे तो बहुत सारी चीजें हैं जो पार्टनरशिप एजिज, समझ रहे हो, इन सब के सॉल्व हो जाएंगे आपके पास। जब परसेंटेज पढ़ोगे, परसेंटेज के ही तो कंसेप्ट यूज होते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, अच्छे से पढ़िए तो यूज हो जाएंगे। उसके बाद डाटा इंटरप्रिटेशन, डाटा इंटरप्रिटेशन मैंने बताया आपको, टेबल, बार, पाई चार्ट, मिक्स, ये तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन आप दूसरे टॉपिक पढ़ने की बजाय, आपके पास टाइम कम है और आपका टारगेट भी इतना ही है, तो आप अर्थमेटिक बेस्ड डीआई प्रैक्टिस करो, ठीक है, जितना हो सके अर्थमेटिक बेस। जैसे 2-4 डीआई सोल्व कर लिए प्रॉफिट एंड लॉस पे, बेसिक प्रॉपर्टी पता हो, बस एसपी क्या होता है, सीपी क्या होता है, डिस्काउंट किस पे देते हैं, ठीक है, एमआरपी क्या होता है, और प्रैक्टिस करो डीआई, ठीक है। और जैसे टाइम एंड वर्क पे कर लिया, फिर आपने टाइम एंड डिस्टेंस पे कर लिया, ठीक है, और साथ में कुछ क्वेश्चन आपको क्वांटिटी जो कंपेरिजन स्केप करने चाहिए, कम से कम 2-2 दिन दे दो सब पे, तो 6-7 तो चैप्टर है, 2-2 दिन भी दोगे 14, 3 दिन बच गए आपके पास, उसके बाद फिर और भी चीजें प्रैक्टिस करिए। यानी आप अगर यहां से ये सारी चीजें पढ़ के जाएंगे, बट ध्यान रखना क्वांटिटी कंपैरिजन और डाटा इंटरप्रिटेशन में अर्थमेटिक बेस्ड डीआई और साथ में क्वांटिटी में भी अर्थमेटिक बेस्ड सभी के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। इस पे थोड़ा सा जोर लगा लो, 20+25 स्कोर आपको बड़े आराम से आ जाएगा, लेकिन अगर आप अगले 15-17 दिन मेहनत करते हो तो। क्लियर है जी। चलिए अब बात आती है कि कई बार बच्चा बहुत अच्छी मेहनत करके जाता है, बट एग्जाम में अपना 100% नहीं दे पाता, और इस वजह से वो अपना अच्छा स्कोर नहीं कर पाता। उसे पता है कि वो 40 क्वेश्चन घर पे 40 मिनट में अटेम्प्ट कर देता है, मॉक दिए होंगे तो 40-42 क्वेश्चन, बट एग्जाम के अंदर उसे पता ही नहीं चलता कि किसी क्वेश्चन पे कई बार वो फंस जाता है, किसी डीआई पे फंस गया, बहुत ज्यादा टाइम लग गया। तो क्या वो प्रेफरेंसेस होनी चाहिए कि कौन से क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करूं, ठीक है, किसको कितना टाइम दूं, तो उसी सीरीज के तहत मैंने आपके लिए एक प्लान बनाया है, ताकि हम कई बार अपना, जैसे एक बच्चा 100% तैयारी करके गया बट एग्जाम में 80% ही दे पाता है, कोई 80 करके गया तो 50 दे पाता है, बट इसे अगर इस सीरीज के हिसाब से आप चलेंगे तो आप अपना 100% दे पाओगे। सबसे पहले आपको, आपके पास 10-15 मिनट हैं, ठीक है, 10-15 मिनट हैं, इन 10-15 मिनट में कहीं भी आपको सिंप्लीफिकेशन के 5 क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज और क्वांटिटी कंपैरिजन, ठीक है, इनमें से कहीं भी क्वेश्चन दिखता है तो उनको आपको पहले राउंड में अटेम्प्ट करना है। बट ध्यान रखिए, हो सकता है कि सिंप्लीफिकेशन में 3 क्वेश्चन तो ईजी हो बट 2 क्वेश्चन मुश्किल हो, छोड़ दो, लेकिन टाइम नहीं देना। 20 सेकंड में आपको डिसाइड करना है कि मुझे इस क्वेश्चन को सोल्व करना है कि नहीं करना, उसके बाद छोड़ देना है उधर ही, दिल पे नहीं लेना कि सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन मैं सोल्व नहीं कर पाया। अरे भाई ऐसे नहीं है कि कई बार बहुत आसान चीज भी है, दिमाग में कहीं फंस जाती है तो नहीं सोल्व हो पाती। ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5 है तो 3 आपको ईजी मिलेंगी, ठीक है, चौथी भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो, एक मुश्किल मिलेगी तो छोड़ दो उसे। ऐसे ही नंबर सीरीज के अंदर कई बार 3 सीरीज ऐसी मिल जाती है, 2 मिल जाती है, 4 भी मिल जाती है कि देखते ही लॉजिक समझ में आ गया, बट एक पे आ ही नहीं रहा और बार बार हम उस पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उसको वहीं पे स्किप कर दो। ऐसे ही क्वांटिटी कंपैरिजन के अंदर तो कोशिश करिए यहां से 12-15 क्वेश्चन आप 10 मिनट में अटेम्प्ट कर पाओ, लेकिन अगर आपने 15 मिनट लगाए हैं तो फिर आप 15 क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करेंगे यहां से, ठीक है भाई। उसके बाद जो वर्ड प्रॉब्लम के 20 क्वेश्चन होते हैं,
ठीक है, बहुत बार बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, मतलब आपको 20 में से 10 क्वेश्चन तो ऐसे मिल जाएंगे कि जो डुएबल हैं, आप आराम से कर सकते हो। अगर एक मिनट का टाइम भी दोगे तो भी आप कर लोगे, समझ रहे हो कि नहीं। तो कोशिश करिए कि इसमें से जो मुश्किल है उनको स्किप करिए, लेंथी क्वेश्चन दिख रहा है स्किप कर दो, दिल पर नहीं लेना, लेकिन 10 क्वेश्चन तक आप इसमें से बड़े आराम से अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद आपको किस पे आना है, डीआई पे। डीआई पे पहले हाथ मत लगाओ, बहुत बार बहुत सामान्य दिखने वाला डीआई भी बहुत टाइम खा जाता है, हमें पता ही नहीं चलता कि कब हम कैलकुलेशन में फंस के रह गए और एक डीआई 5 से 7 मिनट भी खा गया, उसके बाद भी सॉल्व नहीं हुए क्वेश्चन। तो ऐसा मत करिए, डीआई लास्ट में अटेम्प्ट करो और डीआई में भी प्रेफरेंसेस दो। अगर आपको दिख रहा है आपकी कैलकुलेशन थोड़ी बहुत ठीक है तो आप सबसे पहले टेबल वाला, अगर आप दिख रहा है तो टेबल वाला डीआई अटेम्प्ट करिए। जब आप एक बार पूरे पेपर में से निकलेंगे आपको पता चल जाएगा कौन सा डीआई कहां पे है, इतने एक्टिव होने चाहिए आप एग्जाम के अंदर, ठीक है। लाइन ग्राफ जो है, पाई चार्ट जो है, ये पहले करिए, उसके बाद अरिथमेटिक पे हाथ लगाइए और लास्ट में आपको कैसलेट डीआई जो है वो अटेम्प्ट करना है अगर आपके पास टाइम बचता है। अगर आपको लगता है कि आप ये नहीं कर पा रहे और आपके पास टाइम है तो वर्ड प्रॉब्लम का कोई क्वेश्चन सोल्व कर लीजिए, जो यहां पे बचा हुआ है वो कोई क्वेश्चन सोल्व कर लीजिए। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो निश्चित रूप से आप एग्जाम के अंदर जिस एनर्जी के साथ गए हैं, जिस कॉन्फिडेंस के साथ गए हैं, उसमें से अपना 100% आप दे पाओगे। ये बहुत अहमियत रखता है आपका, ठीक है भाई। तो उम्मीद करूंगा कि आपके लिए ये स्ट्रेटेजी बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं वो इस टाइम टेबल को ध्यान में रख करके अपनी तैयारी को और गति दे पाएंगे, और जो लोगों ने अभी स्टार्ट किया और लगता है कि 15-20 दिन के अंदर मैं कुछ ऐसा कर जाऊं कि 20-25 मार्क्स इस क्वांट सेक्शन के अंदर से मैं पकड़ दूं, तो उनको जो मैंने टॉपिक बताए उन पर फोकस करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, रीजनिंग की स्ट्रेटेजी भी हम आप लोगों के लिए ज़रूर लेकर के आएंगे। तो थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।